कराहल के बीएड डीएड कॉलेजों में फीस के नाम पर मची है लूट। छात्रों ने इस लूट के खिलाफ ज्ञापन देकर एसडीएम से की शिकायत। खबर कराहल से है, जहां कराहल विकासखंड में स्थित उच्च शिक्षा संस्थानों में फीस और सीट को लेकर स्थानीय छात्रों से लूट का मामला सामने आया है, जहां छात्रों से मनमानी फीस वसूली जा रही है। कुछ कॉलेज तो यहां के छात्रों को एडमिशन ही नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि दूसरे राज्यों के छात्रों से मनमानी फीस जो वसूल करनी है। आज छात्रों ने एकत्रित होकर ऐसे कॉलेजों की लिखित शिकायत कराहल एसडीएम से की है। सूत्र बताते हैं कि यहां के कुछ कॉलेज संचालकों पर नेताओं का हाथ होने चलते कोई अधिकारी इन पर हाथ नहीं डालना चाहता है। छात्रों ने बताया कि कराहल वनांचल स्थित बीएड डीएड कॉलेज स्थानीय छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बीएड डीएड की सीटों को मोटे दामों में बेचा जा रहा है। बिना नियमित क्लासेस संचालित किए हुए ही यह कॉलेज संचालित है। कॉलेज के नाम पर सिर्फ ऑफिस बनाकर यहाँ शासन के नियम कायदे की खूब धज्जियां उड़ाई जा रही है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में एसटीएफ टीम द्वारा ग्वालियर चंबल के बीएड डीएड कॉलेज जो नियम विरुद्ध संचालित थे, उन पर कार्रवाई की गई थी और उन्हें सील किया गया था, मगर ज्यादा फीस वसूलना भी इन अपराधों की श्रेणी में आता है, तो इन कराहल के इन कॉलेजों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। छात्रों ने कहा कि यदि यहां से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम श्योपुर पहुंचकर कलेक्टर से शिकायत करेंगे। देखिए कराहल से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। यहाँ के जो कॉलेज वाले हैं ना, जैसे कूनो कॉलेज वाले हैं, भूमि कॉलेज वाले हैं, इनका कहना है कि आप जैसे चॉइस प्लेन करते हो तो हमारी कॉलेज का नाम आप भरना ही मत। मैंने कहा क्यों सर? अरे वो हमारे यहाँ जगह है ही नहीं। वो क्या करते हैं, अदर राज्य को पहले ही सीट भेज देते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन खुद ही करते हैं खुद के ऑफिस पर, जो ऑफिस निकाल रखी है जैसे कूनो कॉलेज वालों ने निकाल रखी है, तो अदर स्टेट वालों का वो करते हैं, वो तो उनसे मनमानी फीस लेते हैं, क्योंकि उनको स्कूल में पढ़ने कॉलेजों में पढ़ने आना नहीं है, उनको उसकी फीस अलग से ली जाती है। और जैसे फीस चल रही है बीएड की 70,000 हमने बात की थी, लेकिन उनका कहना था कि हम आपको मतलब एडमिशन नहीं दे पाएंगे, आप हमारी कॉलेज का चॉइस फिलिंग में नाम भरना ही नहीं, ये मना कर देते तो हैं। क्या मतलब यहाँ क्या कालाबाजारी चल रही है क्या? बिल्कुल कालाबाजारी चल रही है यहाँ, खुल के कालाबाजारी चल रही है। हमने एसडीएम साहब को आवेदन भी दे दिया है आज ही। क्या कह रहे हैं एसडीएम साहब? एसडीएम साहब कह रहे हैं देखेंगे हम, बुलाएंगे उनको। यदि यहाँ से अगर संतुष्ट नहीं होती है तो क्या जिले में जाओगे? बिल्कुल जिले में जाएंगे, कलेक्टर साहब के यहाँ जाएंगे। बिल्कुल इन कॉलेज वालों की मतलब मनमानी चल रही है और मनमानी फीस वसूल रहे हैं। हाँ, मनमानी फीस वसूल रहे हैं। और क्षेत्रीय जो छात्र हैं उनको इसका लाभ नहीं दिलवा पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्षेत्रीय जो स्थानीय जो छात्र हैं उनके लिए कोई एडमिशन नहीं दे रहे हैं, मनमानी फीस वसूल रहे हैं जो, और कोई क्लास नहीं लगती है, ना प्रकार की व्यवस्था नहीं है। और हम अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम सभी छात्रों को इकट्ठा कर आंदोलन करेंगे। अभी क्या नाम है, कैसे आज एसडीएम कार्यालय आना हुआ? जी मेरा नाम केशव यादव है और हम डीएड बीएड कर रहे हैं, इसलिए हम क्योंकि यहाँ लूट मचा रखी है कराल में कॉलेज वालों ने, और यहाँ 1.25 लाख रुपए फीस ले रहे हैं, और उधर बिहार में सीट बेच दी है और राजस्थान के स्टूडेंटों को सीट बेच दी है उन्होंने, और यहाँ के लोगों का एडमिशन भी नहीं ले रहे हैं वो। कौन सा विद्यालय है वो पहले ये बताइए आप। यहाँ के पूरे विद्यालयों में हमने फोन लगा के पूछ लिया और जाके पूछ लिया, आज 4-5 विद्यालय हैं। आयुषराज है, ओम सेव है, भूमि कॉलेज है, और कूनो है, और लक्ष्य भी है। 5 कॉलेज हैं। हाँ, क्या कहते हैं वो? बोलते हैं कि इतनी इतनी फीस है, और राजस्थान में वो बेच देते हैं सीट, और बिहार के वो आते हैं उधर से भी बेच देते हैं सीट वो। क्या फीस मांगते हैं वो यहाँ पर? यहाँ पर 1 लाख 1,20,000 मांगते हैं वो। मतलब 1 लाख से ऊपर ही? हाँ। कितनी है वैसे फीस? फीस मिनिमम अमन ने एकलौत पूछी थी, 80,000 रुपये बता रहे थे। बापी अम्मी का कॉलेज है उसमें। आप अभी इन बीएड डीएड छात्रों के साथ थे, क्या माजरा लगा, क्या मामला है ये? मामला मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, ये कॉलेज वाले डिग्रियों को शायद बेच रहे हैं क्या? के 70-80 हज़ार रुपये फीस बता रहे हैं ये लोग, और वो कह रहे हैं 1,20,000, तो इसका मतलब क्या है कि ये बेच ही रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉलेज यहाँ के जो छात्र हैं अपने क्षेत्र के, इनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, और बाहर के जो लोग हैं अदर प्रदेश के, उन लोगों को ही ज़्यादा लाभ मिल रहा है, वो भी सिर्फ काई की खातिर, पैसे ही खातिर। और इस मामले को हम कलेक्टर साहब तक भी पहुँचाएँगे, और ये जो स्कूल हैं ये मनमानी कर रहे हैं, इन पर कलेक्टर साहब